हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो ये जो मैंने कल चादर ली थी, जो आपको दिखाई थी कल वाले ब्लॉग में, तो वो एक तो मैंने यहाँ पे दीवान पे, सिंगल दीवान पे मैंने बिछा दी है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है बिछी हुई, आप भी देख लीजिए। और दूसरी मैंने पिंक वाली यहाँ अपने बेडरूम में बिछाई है, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है। दोनों ही गर्म चादरें हैं जैसे मैंने आपको कल बताया था, और बहुत महंगी भी नहीं है, और कम पैसे में, और बहुत ही अच्छी चादर है। ये बहुत ही अच्छी चादर तरफ से बहुत अच्छे से दब जा रही हैं, तो ये दोनों बेडशीट मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने तीन ली थी जैसे आपको दिखाया था, एक अभी बची हुई है। तो ये मैंने इस एक तो इस रूम में, बेडरूम में, और एक अपने दीवान पर डाल दी, दीवान पर और इस पर। तो कैसी लग रही है मेरी चादर बिछी हुई, मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और बस टिंटिन इधर देखो, टिंटिन, वाह क्या बात है। ये देखो टीवी देख रही हैं, ये टीवी देखने, इतनी मन से ये टीवी देखती हैं कि इनको किसकी किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। इधर देखो, इधर देखो, अरे मैडम इधर तो देख लो थोड़ा सा टिंटिन। टिंटिन अच्छा कैमरे में देख लो, लो कैमरे में देख लो, कैमरे में तो देख लो थोड़ा सा, देखो कहो एक सेकेंड, ये देख लो। अरे मैं, अरे ये हेयर कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे? चंदल बेबी के हेयर कहाँ जा रहे हैं? चंदल बेबी के हेयर कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम दे दो हमें, आइसक्रीम दे दो, दे दो मम्मा को, दे दो, दे दो। इसमें देखो ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, कोई बात कर रहा है तुमसे। ये लॉलीपॉप को आइसक्रीम बोलती हैं, आइसक्रीम दे दो खाने को, हाय कर दो, हाय लायक लड़की। चलो भैया तुम टीवी देखो। हेलो गाइस, तो आज मैं अपने कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ, और इसलिए मैं अच्छे से पीताम्बरी से उनको क्लीन करके फिर अच्छे से उनका श्रृंगार करूँगी। वैसे नहाते तो वो रोज़, ऐसा नहीं कि रोज़ नहीं नहाते हैं, रोज़ नहलाए जाते हैं, बिना नहलाए तो उन्हें बैठाते नहीं हैं हम, जैसे हम वैसे वो भी हमारे घर के सदस्य हैं। और यहाँ पे उनकी बांसुरी और मुकुट वगैरह साफ़ करी, पीताम्बरी से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जो श्रृंगार है वो मैं 10 दिन पर या 15 दिन पर एक बार करती हूँ, और उनके श्रृंगार का सारा सामान मैं अलग रखती हूँ, वो जूठा नहीं होता है कि जिस जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही उनका यूज़ कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनकी सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो जैसे मुझे उनका श्रृंगार करने आ रहा है मैं वैसे उनका श्रृंगार कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है जब उनको सजा के बैठा दो तो बहुत ही मन लगता है, बहुत ही वो क्यूट भी लगते हैं। तो आज मैंने सोचा, ठंड हो रही थी लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं इनका श्रृंगार ज़रूर करूँगी, तो वही मैं आज इनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो देखिए देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी, मुझे ज़रूर बताना, और जैसे भी आता है वैसे मैं करती हूँ। और मन तो बहुत कुछ करता है कि बहुत कुछ करूँ, लेकिन जितना हो सकता है, जितनी जितनी सेवा हो सकती है मैं उतनी ही कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। हेलो गाइस, मैं भी आई हूँ किचन में रात का डिनर बनाने, और डिनर में बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, आलू के पराठे, क्योंकि यही सब ठंडियों में खाने में अच्छा लगता है। आलू के पराठे हुए, मेथी के पराठे हुए, और प्याज के पराठे हुए, पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कभी कभी तो अजवाइन की पूड़ियाँ भी चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए आलू को छील लिया है, अब पहले मैं आटा लगा लूँगी, फिर आलू में जो मिलाना है वो मैं मिला के पराठे फटाफट बना लूँगी। ठंड बहुत है और मुझे वैसे भी बहुत ठंड लगती है, मुझे ठंड अच्छी ही नहीं लगती। बहुत लोग होते हैं ना उनको ठंड बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कम से कम गर्मियों में एक्टिव तो रहते हैं, ठंड में तो भाई एक बार अगर ब्लैंकेट में आप घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करते, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल ब्लैंकेट में ही थी, हिम्मत बांध के मैं किचन में आई हूँ और आलू उबाले हैं, उसे छीले हैं, और मैंने सोचा आलू के पराठे बना लूँगी, उसके साथ चाय बना लूँगी या फिर चटनी पीस लूँगी, क्योंकि ठंडी में चटनी तो रोज़ ही हो जाती है लगभग, लेकिन आज
चटनी है नहीं और धनिया भी नहीं है, तो देखते हैं चाय बना लेंगे और अचार वगैरह है ही, तो पराठे चाय अचार यही आज के डिनर में होगा। तो चलिए फटाफट मैं डिनर बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ।